अदानी जी और प्रधानमंत्री का रिश्ता क्या है, जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स अदानी जी को दिए जा रहे हैं वो क्यों दिए जा रहे हैं, जो श्रीलंका में बांग्लादेश में बात हुई है वो क्यों हुई, किसने की, ऑस्ट्रेलिया में जो प्रधानमंत्री जी और स्टेट बैंक के चेयरमैन और अदानी जी के साथ जो मीटिंग हुई वो क्यों हुई, उसमें क्या डिस्कस हुआ, तो ये सब सवाल हैं जो प्रधानमंत्री जवाब जिसके जवाब नहीं दे पाए। संसद हो या सोशल मीडिया, हर तरफ अदानी, मोदी और राहुल गांधी का मुद्दा छाया हुआ है। कांग्रेस पीएम मोदी से अडानी के साथ रिश्तों के बारे में पूछ रही है, वहीं बीजेपी राहुल गांधी को देश विरोधी बता रही है। कांग्रेस और बीजेपी में सोशल फाइट देखने को मिल रही है। दोनों पार्टियां एक से एक ट्वीट बनाकर एक दूसरे पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर मीम्स की लड़ाई भी दिलचस्प हो चुकी है। कांग्रेस जैसे जैसे पीएम मोदी और अडानी को लेकर पोस्ट कर रही है, उसी अंदाज में बीजेपी भी जवाब दे रही है। कांग्रेस ने शनिवार को अपने ट्विटर हैंडल से एक पोस्टर शेयर किया जिसमें पीएम मोदी के मुंह को जिप से बंद कर दिया गया, जिसका अर्थ है वो अडानी मामले को लेकर कुछ नहीं बोलेंगे। इस ट्वीट के साथ कांग्रेस ने लिखा, मेरे प्रिय मित्र अडानी पर ना बोलूंगा ना बोलने दूंगा। इसके बाद कांग्रेस ने एक और ट्वीट किया और पीएम मोदी की तस्वीर के साथ लिखा, काला धब्बा। अब बारी बीजेपी की थी। कांग्रेस को जवाब देते हुए और राहुल पर निशाना साधते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2023 में कहा कि भारत में लगातार बहुत सारी चीजें शुभ होती जा रही हैं। इसके लिए कुछ लोगों ने भारत पर काला टीका लगाने की जिम्मेदारी ली है ताकि भारत को नजर ना लग जाए। इसी कड़ी में बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल से सोमवार को राहुल पर बने एक एनिमेटेड वीडियो को भी शेयर किया और लिखा, देश में भारत जोड़ो, प्रदेश में भारत तोड़ो, वाह राहुल। आपको याद दिला दें कि कांग्रेस ने हाल ही में ट्वीट किया था, सावरकर समझा है क्या, नाम राहुल गांधी है। अब सोमवार देर रात को बीजेपी ने इस ट्वीट पर भी पलटवार किया। बीजेपी ने भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी की तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, राहुल गांधी हूँ, देशभक्त नहीं। कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लगातार पीएम मोदी और अडानी के रिश्तों को लेकर मीम्स पोस्ट किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी जवाब सोशल मीडिया पर ही दे रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी के राष्ट्रवाद को फर्जी बताया था। बता दें, खड़गे के इस ट्वीट का जवाब देते हुए बीजेपी ने पीएम मोदी की एक वीडियो को शेयर किया और लिखा, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की कमान दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के हाथ में है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर पलटवार करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है और चुनावी सीजन में ये सोशल फाइट और तेज होने की पूरी उम्मीद है।